अटल जी ने जनता के प्रधानमंत्री के रूप में लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। एक ऐसे इंसान जो बच्चे, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों सभी के बीच में लोकप्रिय थे। देश का हर युवा बच्चा उन्हें अपना आदर्श मानता है। ये उनके बोलने का अंदाज और उनके भाषण की कला का जादू था कि उनकी अपनी पार्टी के लोग ही नहीं, विरोधी भी उनका सम्मान करते थे। वो अक्सर अपने दिल की बातों को कविताओं के जरिए जाहिर करते थे। अटल जी की एक बहुत ही चर्चित कविता है, गीत नहीं गाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल जी विचारों का ऐसा उजाला डाल कर गए हैं जो कि देश के नौजवानों को सदा राह दिखाते रहेंगे। अटल जी की ईमानदारी, शालीनता, सादगी और सौम्यता हर किसी का दिल जीत लेती थी। उनके जीवन दर्शन और कविताओं ने भारत के युवाओं को एक नई प्रेरणा दी। एक नया भारत कि जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो जहां सम्मान हर एक जाति, हर एक धर्म का सब समर्पित हो, जिसे वह लक्ष्य जिसके पास हो, एक नया अभिमान अपने देश पर जन जन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में देश के आर्थिक विकास और गरीब वर्ग के सामाजिक कल्याण के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह को राष्ट्र हमेशा याद करेगा। उनकी अटल आवाज और उनके किए महान कार्य हमेशा राष्ट्र के बीच अमर रहेंगे। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। HS न्यूज के लिए प्रीति चौहान की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।